भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री व मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गजों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बर्थडे विश किया, लेकिन सिंधिया का जन्मदिन उनके इलाके में अलग ही अंदाज में मनाया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। अपने चहेते नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन अशोकनगर में कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया। सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने गायत्री पद्धति से गायत्री मंत्रोच्चार के साथ उनकी दीर्घायु के लिए दीप यज्ञ का आयोजन कराया। इतना ही नहीं, सर्दियों के सीजन में आर्थिक रूप से निर्धन लोगों को वस्त्र, जूते, मोजे आदि आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए सिंधिया नेकी कॉर्नर का शुभारंभ किया गया। इस नेकी कॉर्नर पर उन्होंने शहरवासियों से मदद करने का आह्वान किया, जिससे जरूरतमंदों को इस भीषण सर्दी में वस्त्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या ना हो सके। विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने शहर के गरीबों को हर दिन भोजन कराने वाली संध्या करुणा निधि में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के जन्मदिन पर विशेष भोज का आयोजन करवाया। इतना ही नहीं, विधायक जज्जी गरीबों के साथ स्वयं जमीन पर बैठे और भोजन किया। भोजन के उपरांत गरीब 100 से अधिक कंबल जरूरतमंदों को वितरित किए गए। महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी का जन्मदिन है और आज हमने उनका जन्मदिन जो है गायत्री परिवार की पद्धति से मनाया है। हमने गायत्री यज्ञ किया और उसके बाद फिर यहाँ पे ये भंडारे का आयोजन था, और उसके बाद जो भी भंडारे में जो लोग आए थे उन सबको, जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। और आज ही के दिन हमने एक सिंधिया नेकी कॉर्नर का शुभारंभ किया है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं निःशुल्क दी जाएंगी, जैसे कपड़े या जूते, चप्पल, आदमी के पहनने की चीज़ें या उपयोग की चीज़ जो भी हो सकती है, जो भी वहाँ उपलब्ध रहेगी वो निःशुल्क दी जाएगी। और उसमें हमारे पछार क्लब का सहयोग के साथ वो हमने किया है, तो पछार क्लब के सभी साथी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा और शहर के लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं वो वहाँ पे कोई भी वस्तु जो जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ सकती है वो वहाँ पे भेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे निःशुल्क वहाँ से जरूरतमंद आदमियों को वितरित किया जाएगा। आज से हमने श्रीमान सिंधिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक नेकी कॉर्नर का प्रारंभ किया है, तो आज हम इस रूप में श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया का जन्मदिन मना रहे हैं। आपने बैठ के सब लोगों के साथ में भोजन भी किया, तो ये जो भोजन आपने किया, क्या मतलब इस तरीके से क्या मैसेज आप देना चाहते हैं आप? नहीं, कहने का मतलब ये आ चुकी श्रीमान सिंधिया जन्मदिन पे हमने दीप यज्ञ किया, उसके बाद ये भंडारा था, तो एक प्रसाद था यज्ञ के बाद, तो प्रसाद हम ग्रहण कर रहे थे साथ में, तो सारे जो भी जरूरतमंद लोग थे या गरीब जो भी भोजन के लिए यहाँ आए थे उन सबके साथ मैंने भोजन किया, भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। और इससे नेकी की जो दीवार बनाई गई है, इसमें क्या क्या मतलब ऐसी व्यवस्था रहेंगी जिससे कि गरीबों की मदद की जाए? फिलहाल हमने उसमें, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो स्वेटर, शाल, कंबल या पैंट शर्ट, इस तरह की चीज़ें रख रहे हैं, जूते चप्पल, गरीब आदमी जरूरतमंद जो सक्षम नहीं है कि वो खरीद सके बाजार से, तो वो वहाँ आके अपनी जरूरत की चीज़ वहाँ से ले जा सकता है। तो ये हम शुरू कर रहे हैं और 2-3 दिन में और व्यवस्थित कर रहे हैं कि जो जो, और उसमें शहर के जो भी दानदाता लोग हैं या जो गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, जरूरतमंदों को कुछ भेंट देना चाहते हैं, तो वो लोग, उनका सहयोग रहेगा कि वो आके वहाँ भेंट दे सकते हैं, और नहीं तो चार क्लब के सहयोग से हम लोगों ने कुछ शुभारंभ किया। यह तो बात हुई सिर्फ अशोकनगर की। सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गरीबों को बहुत सी चीजें उपलब्ध करवाई गई। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।